मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सिरसा से वर्तमान विधायक गोपाल कांडा की माता राधा देवी कांडा पत्नी स्वर्गीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सदस्य रहे एडवोकेट स्वर्गीय मुरलीधर कांडा एडवोकेट के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गोपाल कांडा व पूरे कांडा परिवार सहित मुलाकात करी और राधा देवी कांडा के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं सबके बाद मुख्यमंत्री ने सिरसा के पंचायत भवन में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों से रूबरू हुए। सीएम ने कहा कि 20 साल बाद दक्षिणी हरियाणा में भाजपा राज में नहरों के तेल तक पानी पहुंचाया गया है, बावजूद इसके गिरता भूजल स्तर चिंता का विषय है। पानी के दोहन की गति को कम करने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना लागू की गई है। प्रदेश के 8 ब्लॉकों में इस योजना को किसानों ने स्वेच्छा से अपनाया है। इस योजना के तहत 42,000 किसानों ने स्वेच्छा से धान की बिजाई नहीं करने का पोर्टल पर आवेदन किया है। जैसा हम कई दिनों से सुन रहे होंगे कि हरियाणा में एक मुहिम हमने चलाई है कि जो हमारा पानी का संकट है इसको कम करने के लिए एक तो तरीका है कि जहाँ जहाँ से पानी हमको मिलना है उस पानी को हम हरियाणा में कैसे लाए, उसमें चाहे एसओएल की बात है, चाहे हाँसी बुटाना की बात है, और चाहे लखवार डैम है, किसाऊ डैम है, रेणुका डैम है, इन डैम से हमारे हिस्से का पानी हमको मिले। और दूसरा पार्ट है कि जो हमारे पास पानी है इसका प्रबंधन हम ठीक से करें। तो उस प्रबंधन में पहली बार 30 साल के बाद हमने दक्षिण हरियाणा की टेल्स पर ये पानी पहुंचाया। 300 टेल ऐसी थी जहां 25-25-30 साल से पानी नहीं पहुंचा था, हमने वहां तक भी पानी पहुंचाया। वर्षा का पानी है वो भी वहां तक पहुंचे और आगे पीछे भी अगर थोड़ा पानी सरप्लस है तो वहां तक हम भेजते हैं। साथ ही ग्राउंड वाटर, इसको जो लगातार हम दोहन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसके कारण से लेवल 12 साल के अंदर डबल गहराई हो गई है पानी की, यानी 2 times डीप पर ये पानी हो गया है। अब इस स्पीड से अगर चलते रहे तो आने वाले 10-12 साल के बाद जहां आज 40 मीटर गहरा है वहां 80 मीटर हो जाएगा, जहां आज 60 मीटर है वहां 120 मीटर हो जाएगा। तो ये पानी की जो इतनी गहराई बढ़ती जा रही है इससे हमारा जो पानी है वो खत्म होता जा रहा है भूगर्भ में। 8 ब्लॉक ऐसे छाटे हैं जिन किसानों से मेरी सीधी बात हुई है, इन लोगों ने स्वीकार किया है बहुत से लोगों ने कि हाँ हम इस लाइन पर आने के लिए तैयार हैं। जानकारी के लिए अभी इस समय तक लगभग 42,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस स्कीम को स्वीकार कर लिया है, फार्म भर दिए हैं और लगभग 55,000 हेक्टेयर, हमारा टारगेट 1,00,000 हेक्टेयर का है, 55,000 हेक्टेयर जमीन के ऊपर धान ना बो करके अन्य फसलें बोएंगे, ये इस समय तक पोर्टल पर चढ़ गया है। लगातार पोर्टल पर लोग अपने आप चढ़ा रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा टारगेट 1,00,000 करोड़ का मैं समझता हूँ पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी समय है धान की बुआई का। उनका नाम ही विपक्षी है, तो विपक्षी होती है, पक्ष का काम कितना ही अच्छा हो, कितना ही बढ़िया हो, कितना ही आगे दूरदर्शिता रखने वाला हो, विपक्षी पार्टियों का काम होता है विरोध करना, और विरोध करना उनका काम है, करते रहें। उसका प्रभाव जनता पर क्या जाता है हमको मूल्यांकन उसका करना है। आज जनता, जैसे मैंने बताया, विरोध करने के बाद भी हमने 1,00,000 का टारगेट रखा, हमारे पास समय बाकी है, और आज मैंने बताया पोर्टल के ऊपर कोई भी देख सकता है, ओपन पोर्टल है, 55,000 हेक्टेयर, 55,000 हेक्टेयर का मतलब होता है 140,000 एकड़। इतनी जमीन के ऊपर लोगों ने धान बोने के लिए मना कर दिया है, हम दूसरी फसलें बोएंगे। तो इस सफलता को देख करके विपक्ष के अब क्या शब्द करूं, कुछ नहीं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।